वेदांता। वेदांता के प्रमोटर्स डीलिस्टिंग फेल होने के बाद अब अलग अलग तरीके से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। तो पिछले एक साल की वेदांता की यात्रा, प्रमोटर्स के स्टेक बढ़ाने के तरीके और स्टॉक प्राइसेस का एक्शन, ऑफर्स के प्राइसेस, सारी डिटेल्स लेकर, सारी रिसर्च लेकर वरुण दुबे हमारे साथ है तैयार। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो ये स्टोरी दरअसल शुरू हुई थी मार्च 2020 से, जब ये पूरा यू नो कोविड के चलते क्राइसिस हुआ और इस कंपनी ने एक्चुअली तभी एक बड़ा इंपेयरमेंट लॉस लिया था 17-18 हजार करोड़ का। और उसके बाद जो वैल्यू थी इस कंपनी की वो पूरी तरह से डिरोड यू नो इरोड हो गई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रमोटर ने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रमोटर्स को इस कंपनी में वैल्यू दिख रही थी। सितंबर 2020 में इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास करीब 50% के आसपास का हिस्सा था और तब इस कंपनी ने डीलिस्टिंग ऑफर लाया था। जो डीलिस्टिंग ऑफर लाया गया था वो करीब 87.25 रुपीज के भाव पे था। डीलिस्टिंग ऑफर चला लेकिन डीलिस्टिंग ऑफर जो है वो फेल हो गया था, क्योंकि जितने स्टॉक शेयर्स चाहिए थे डीलिस्टिंग के लिए वो इस कंपनी को नहीं मिले थे। जाहिर सी बात है इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा जो बना था वो LIC था, जिसकी जो परचेस प्राइस थी वो 350 रुपए के आसपास की थी। इसके बाद दिसंबर 2020 में इस कंपनी के प्रमोटर्स ने मार्केट से करीब 5% के आसपास का हिस्सा खरीदा स्टॉक डील के जरिए और 160 के भाव पे ये हिस्सा खरीदा था। तब कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ के 55% हो गई। जनवरी 2021 में फिर से ओपन ऑफर लेके आए, 10% स्टेक खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाया गया था 160 के भाव पे, लेकिन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऑफर का साइज 6000 करोड़ के आसपास का था। कंपनी ने इस ऑफर को और बढ़ाया और जो नया प्राइस निकल के आया था वो 235 रुपए का आया था और कंपनी ने जो ओवरऑल ऑफर था उसको भी बढ़ा दिया। तब कंपनी चाहती थी करीब 17.5% के आसपास का हिस्सा खरीदने के लिए, करीब 8.5-9 हजार करोड़ के आसपास का खर्चा कंपनी करना चाहती थी, लेकिन ये ऑफर भी पूरा नहीं भरा। 57.5% जो है ये ऑफर भरा था और इसके बाद प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो करीब 65.18% के आसपास हो गया। लेकिन इसके बीच में और इसके बाद में भी काफी सारे इवेंट्स हुए हैं। जैसे कि आपको याद होगा वेदांता जो PLC है उसने बॉन्ड इशू किए थे और काफी हाई रेट पे बॉन्ड इशू करके कहीं ना कहीं पैसे जुटाए गए थे और लोग मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है डीलिस्टिंग या फिर से ओपन ऑफर लाएगी और वो सिलसिला आपको लगातार देखने मिला। 8 नवंबर को इस कंपनी ने अपना जो ADR था उसको डीलिस्ट कराया, ये कहके कि उसको कोई फायदा नहीं है ADR को लिस्ट कराने में। 17 नवंबर कुछ ही दिन पहले कंपनी की तरफ से और एक बयान आया कि कंपनी अपने जो ओवरऑल कारोबार है उनको स्टैंड अलोन बेसिस पे कहीं ना कहीं अब लिस्ट कराना चाहती है, भले वो आयरन ओर हो, भले वो अल्यूमिनियम हो, भले वो ऑयल एंड गैस हो, इन सब कारोबार को स्टैंड अलोन बेसिस पे कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहती है और इसके लिए डी मर्जर का ये प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी इन्होंने काफी सारे बैंकर्स को नियुक्त भी कर दिया था। और आज फिर से खबर आ गई कि 350 के भाव पे कहीं ना कहीं ये जो है अपना ओपन ऑफर या फिर स्टेक खरीदना चाहते हैं। इस बीच में और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि डिविडेंड जो है वो सबसे बड़ी चीज है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट मान के चल रहा है कि शायद वेदांता के प्रमोटर्स को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक से इस कंपनी को FY21 में करीब 38 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था, जबकि वेदांता ने अपने शेयर होल्डर्स को करीब 28 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है उसको ही पास ऑन किया है। कमोडिटी की कीमत अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल, जिसके लिए इन्होंने इंपेयरमेंट लॉस लिया था, वो दुगना हो चुका है। वहीं जिंक, कॉपर में 40% के आसपास की तेजी आई है, लीड में 22% के आसपास की तेजी आई है, सिर्फ आयरन ओर है जो 25% गिरा है और इसका इम्पैक्ट आप कंपनी के रिजल्ट्स में भी देख रहे हैं। जहाँ Q1 FY22 में करीब 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मुनाफा कंपनी करती थी, अब करीब 5-6 हजार करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी कर रही है। तो लगातार कंपनी अब वो रीरेट हो रही है, प्रमोटर्स लगातार स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। डीलिस्ट करने का प्लान था 87.25 पे, अब 350 के भाव पे भी खरीदने को तैयार है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब डीलिस्टिंग होगी? करना तो ये यही चाहते हैं। अब या तो डीलिस्टिंग होगी या तो अनिल जी वो जो डीमर्जर की बात कर रहे हैं कि अलग अलग कारोबार को करेंगे, वहां से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ये डीमर्जर वाला नया चीज आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं तो बाकी सारे एक्शंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि डीलिस्टिंग होनी है। हाँ, लेकिन खाली एक डीमर्जर वाला ऐसा है कि जो नया कहाँ से आया वो पता नहीं है। अनिल जी, उसमें हमने एक SOTP वैल्यूएशन भी निकाला था कुछ दिनों पहले जब ये डीमर्जर की खबर आई थी, तो एक्चुअल वैल्यूएशन वेदांता के निकल के आती है 485 रुपीज की प्रति शेयर की। ये वैल्यू को बताओ अनिल जी, इसमें होता क्या ना कि जिंक का रिपोर्ट बना के भेजी जाए LIC तो फिर मतलब 450-500 के हमारे टारगेट आपने कहा था। हाँ, 450-500 इसी के दम पे, ऐसा अंदाज से थोड़ी दिए, वो SOTP की रिपोर्ट देख के दिए, इतना बनता है। और अभी अगर डीमर्जर होगा, डीमर्जर के बाद थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग और होगी, तो ये तो स्टॉक बाय ऑन डिप्स है, बेचना नहीं है, नीचे में लेते रहने का। वेदांता पे एक बार हमारा अब तक बाय कॉल सेल कॉल आया नहीं। बिल्कुल करेक्ट।
बिल्कुल, और डीलिस्टिंग के समय से भरोसा भी रहा है, चार गुना के गेंस वहां से आ गए। प्रमोटर लगातार कोशिश में थोड़ा अपना स्टेक बढ़ाने की, आज भी आप वैसा ही एक्शन देख रहे हैं। तो